सभी किलिंग, चाहे वो माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, यहाँ का रहने वाला है बाहर से आया हुआ है, सभी किलिंग का सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन कंडेमनेशन करती है। कल की जो इवेंट जो हुई, ऐसी इस साल में तकरीबन 96 सिविलियंस की किलिंग इस दहशतगर्दों ने की है, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी भी जो है अब उससे निजात पाना चाहती है। उसी के चलते यहाँ जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शांतता रखते हुए, मौन रखते हुए उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ श्रीनगर में भी यहाँ किया गया, मुझे आने में थोड़ा देरी हुई। हर किस्म की सिविलियन किलिंग, इनोसेंट किलिंग कंडेमेबल है और उसको उतने ही पुरजोर से हम कंडेम करते हैं। सर आपको नहीं लगता है? नहीं, डेफिनेटली आपका कहना जो है वो लाजमी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुल मिलाकर के 96 से ज़्यादा इनोसेंट्स की किलिंग हुई है, और उसमें जो है 7 या 8 जो है माइनॉरिटी के भी है, 7 या 8 जो है माइनॉरिटीज से भी है। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी वो मायने नहीं रखती है, मेन मायने रखता है कि इनोसेंट आदमी जिसकी किसी की भी किलिंग नहीं होनी चाहिए, और उसी के चलते जो है आज यहाँ आवाम जो है उसके प्रोटेस्ट पर उतर आई है। आपको हर ज़िले के हेडक्वार्टर पर तकरीबन 4-4:30 बजे से लेकर के अलग अलग जगह पर लोगों ने जुलूस निकाले, मौन रखा और इसका प्रोटेस्ट किया है, उसकी मजम्मत की है। हर कोई इवेंट जो है अलग अलग फेजेस से गुजरती है, टेररिज्म जो है अलग अलग फेजेस से गुजरता है। पहले कभी 90s में कहते थे, मैं उस समय तो सर्विस में भी नहीं था, बहकावे में आकर के थोड़े से लार्जर पैमाने पर सपोर्ट मिलता था, उससे आगे जो है वो सपोर्ट डर और खौफ के चलते सपोर्ट मिलने लगा। आज डर और खौफ जो है दूर होने लगा है, तो ये जो है अंतिम कड़ी है टेररिज्म की। डेफिनेटली जो है वो एक दिन आएगा जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सर क्या अभी प्रशासन जो है ऑनलाइन मोड की और सोच रही है कश्मीरी पंडितों को, जो वर्कर्स यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ मैं बेसिकली आया हूँ कि जो सिविलियन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी हर किस्म के इनोसेंट किलिंग के खिलाफ, उसमें शिरकत करने आया हूँ, और उसमें मैं मेरा भी हिस्सा जो है यहाँ, मेरी जी मौजूदगी यहाँ दर्ज करने के लिए आया हूँ।